धनश्री ने लिखा है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड का मतलब ऊपर ऊपर हम जिस भाव में हैं ऐसी सृष्टि हमें नज़र आती है, मगर डीप जाएं तो जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है वो एक ही है, ऐसा ही है क्या, कृपया बताएं। धनश्री प्रश्न भी पूछा है और उत्तर भी साथ ही में दिया है, एक ही बात है ना, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। ये सब बात को समझाने के तरीके हैं, ये सब कंसेप्ट हैं अलग अलग, तो उनको हमें बस कंसेप्ट की तरह समझना है। सब एक ही है ये तो है ही है सच्चाई। त्वमेव श्रोता त्वमेव वक्ता त्वमेव कर्ता त्वमेव भोक्ता, वही शाश्वत चैतन्य, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ। लेकिन जो हमको भेद दिखाई देता है उस भेद का दिखाई देना भी व्यावहारिक उपयोगिता के लिए उचित है। अगर कोई वो भेद नहीं देख पाएगा तो जीवन की जो व्यावहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी है, वो भी अवरुद्ध होगी, रुकेगी। तो अस्तित्व ने इसीलिए हमें दोनों चीज़ें दी हैं, एक समझ का वो आयाम जहाँ पर हम उस अद्वैत को देख पाएँ और उसी समझ के आयाम से हम द्वैत की इस लीला को भी देख पाएँ, उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये बात इसलिए समझनी ज़रूरी होती है कि हम बेवजह उस द्वैत, उस विभाजन, उस बंटवारे से अपने अंदर व्यथित न होते रहे। एक ही का कार्य व्यापार है, एक ही का कार्य विस्तार है, तो इसमें कोई उलझन, कोई बेचैनी, कुछ नहीं, एक ही का कार्य विस्तार। कृष्णमूर्ति जी इस शब्द का बहुत उपयोग करते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। अब वहां पर क्या था, कृष्णमूर्ति जी के साथ वो समझा रहे हैं, कभी कभी समझाते समझाते वो इरिटेट भी हो जाते थे, जैसे कि लोग नहीं समझ रहे। तो मसला ये है कि वो जो सोर्स है उनकी तरफ से बोलने का काम कर दिया, किसी को समझाने का, किसी को न समझने का भी काम कर दिया। यानी कोई नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, उसको समझाने के लिए सिर फोड़ने की ज़रूरत नहीं, टेक इट ईजी। तो इसलिए व्यवहारिक उपयोगिता भी बनी रहेगी संसार में, वो भी स्रोत की ही लीला है। Thank you.